मुरादाबाद में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। जुलूस निकालते हुए किसान यूनियन के नेता पहले कचहरी पहुंचे और वहां कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। कलेक्ट्रेट पर धरना देते हुए यूनियन के नेताओं ने कहा कि बीजेपी सरकार ने जो वादे किए थे उन पर अमल नहीं कर रही है। बीजेपी सरकार ने वादा किया था कि बिजली 24 घंटे बिना ट्रिपिंग दी जाएगी। किसानों को बिजली भी सही से नहीं मिल पा रही है। साथ ही किसानों के लिए मुआवजा देने की बात कही गई थी, लेकिन वो भी अभी तक नहीं मिला। किसानों ने धरना देते हुए कहा कि सरकार के द्वारा किसानों का जो कर्ज माफ किया गया है उसे भी लेकर लोगों में भ्रम है, इसलिए कर्ज माफ किया जाए। किसानों ने कहा कि बिजली के जर्जर तारों को बदला जाए, क्योंकि जर्जर तार टूटने से आए दिन फसल बर्बाद हो जाती है। प्रदर्शनकारियों ने अपनी आवाज को बुलंद करते हुए कहा कि गन्ने का भुगतान नहीं किया जा रहा है। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन में कहा गया कि किसानों को गन्ने का भुगतान ब्याज के साथ किया जाए। 50% जिनसों का लाभकारी मूल्य दिया जाएगा, किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ किया जाएगा। पहली कैबिनेट की मीटिंग में कर्जा माफ किया जाएगा, तो किसान के साथ में एक प्रकार से छलावा है। किसानों ने, आम जनता ने विश्वास किया कि ये सरकार कुछ करेगी। बाकी हमें तो ऐसा लगा है देश के प्रधानमंत्री तो निराधार झूठ बोल रहे हैं, और उन्हीं के साथ साथ हमारे जो मान्य हैं मुख्यमंत्री योगी जी, वो भी ऐसा दिखाई दे है कि वो भी के उन्हीं के साथ में वो भी धोखे में आ रहे हैं, छलावे में हैं। जबकि कृषि और ऋषि का साथ है, और हमारी संस्कृति कहती है कि ऋषि और कृषि का साथ हमेशा रहा, परंतु हमें तो ऐसा दिखा है कि किसान के साथ में धोखा है जिंदा। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ किसानों का इतना शोषण है कि छला उसमें ठाकुर द्वारे में एक रोड है। तो किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अपनी मांगों को पूरा करने के लिए प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि योगी सरकार अपने वादों को निभाए जो उसने चुनाव से पहले किए थे। देखते रहिए डीबी।